चैंपियन लीग का दंगल जारी, संकल्प प्रतिज्ञा और प्राण, क्रिकेट की जंग है भीषण, है निकल पड़े सब जीतने, मध्य प्रदेश का ये रण, कैसे किसकी पारी, सबकी अपनी तैयारी, है कौन जो सब पर भारी, एमपी लीग का दंगल जारी। एक्शन, ड्रामा और एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है हंटर रिफ्रेशिंग मध्य प्रदेश लीग प्रेजेंटेड बाय जेके सुपर सीमेंट में। जबलपुर लायंस वर्सेस ग्वालियर चीतास के 5 ओवर साइड मैच के बाद अब बारी है मालवा पैंथर्स वर्सेस भोपाल लेपर्ड्स की। और अब खेल की शुरुआत हो रही है, लेट्स प्ले का इशारा हो चुका है। तो पहली गेंद पे बहुत विश्वसनीय अंदाज में खेला गया, आसानी के साथ सिंगल बनेगा। पहली गेंद पर खाता खुलते हुए अंकुश, और ये खूबसूरती के साथ उठाकर मारा है ऑफ साइड में, मिड ऑफ के ऊपर से चार रन, फिर से कदमों की हलचल और बहुत खूबसूरती से उठाया गेंद को, चार रन के लिए एक्स्ट्रा कवर इलाके में, वाइड स्मिड ऑफ मौजूद था, कवर मौजूद था, उसके बीच में से उठाकर खेला, बढ़िया टाइमिंग। फिर से ड्राइव करने की कोशिश, उतने तरह से बल्ले पे नहीं आई लेकिन प्लेसमेंट अच्छा, चार रन। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद, सुंदर पुल, चार रन, सिक्स बल की गेंद, हवाई रास्ते पे, जमीन का काम ही नहीं, और इतना बढ़िया लगाया कि पलक झपकते ही गेंद सीधा छह रन के लिए गई। ये बल्ला चलाया, छह रन मिलेंगे, बिल्कुल गेंद सीमा रेखा पार कर गई, बल्ले को कहते हैं आउटसाइड द ऑफ स्टंप, इसी तरह से चलाया जाए। वन एक्स बैट सिक्स, वन एक्स बैट के साथ समापन हुआ ओवर का 39 बिना किसी नुकसान के। लेकिन इस बार टाइमिंग शानदार, लॉन्ग ऑन पे मिलेगा छक्का, अंकुश के बल्ले से एक और दंदनाता हुआ हवाई फायर, छह रन के लिए बाहर। आखिरी गेंद, मिसफील्डिंग, आउटफील्ड तेज है, रोकना मुश्किल होगा, क्या रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, चार रन के लिए गेंद बाहर। Change of angle and smote away. Oh, smote away in the gap. Oh, that's a terrific blow by Siddharth. Oh, he's bowled him. Oh, he's bowled him. Looking for the expansive shot away on the leg side, Siddharth, and I think it might have scuttled through a fraction low as well. And Shubham, well, he gets in on the action. Oh, might be a spot of bother. Will there? Shot the stumps out, it's gone. Oh dear. Oh dear. This is gone. A bit of a mix-up. Give it a work at backward point. And I think this is the second wicket to go. The ball was at short third man, but it was straight on in the hands of a fielder. And he is not even in the frame. I think it'll be difficult. Yes. He was batting very well. But he has to go. It was straight in the hands and he has to go. Nice use of the feet. Couple of bounces. Will it make it? It will. Oh, that's a terrific blow by Ankit. Straight and true. Oh, driven. Driven beautifully. Straight as a die as well. Almost a collision. And Hawley gets another boundary. वंदित की पहली गेंद ड्रिंक्स के बाद और इसे भेजा छह रन के लिए, बड़ी बड़ी हिट लगाने में माहिर है। ये लीजिए, हमने बड़ी बड़ी हिट की बात की है, काफी देर तक हवा में है, उसके नीचे खिलाड़ी जरूर आ रहे हैं लेकिन मौका नहीं होगा। वन एक्स बैट सिक्स, वन एक्स बैट के साथ सीधा बाहर। ओह, बहुत ही क्रास, क्या बात है, यह छक्का लगाना आसान होता नहीं है। वन एक्स बैट सिक्स, वन एक्स बैट के साथ इस बार फिर जोखिम तो नहीं उठाया था लेकिन ताकत जरूर दिखाई है। सामना करते हुए नए ओवर की पहली गेंद फिर से उठा दिया यहां पे और फिर जाएगी छह रन के लिए।
ऐसा लगता है कि जैसे किसी घड़ी में अलार्म फिट कर दिया जाता है, शायद बल्ले में कुछ ऐसा फिट कर दिया है कि हर गेंद पे छक्का जाएगा। शॉट ये भी अच्छा है इस बार अलोंग द ग्राउंड, लेकिन रिजल्ट बदलेगा नहीं। आज एक सोच के साथ उतरे हैं और उस पर अभी तक तो खड़े उतरे हैं। 173 for 2। जाइए जरा इसको भी बाहर से उठा के लेके आइए, क्योंकि अनिकेत को रोकना इस समय मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रखा है। Gets the reverse out. Does he find the gap? He does. So it's all going his way. Absolutely brilliant from Gawley. Oh, that's a good strike. Is it another one? It is. Oh, Aniket's been absolutely blistering. Allowed the bowlers to settle down. And that's it. And what an extraordinary way to get there. 3 sixes in a row for Aniket. He goes up to 101 off 32. What a 100. Oh, beautifully done. That really is terrific technical batting from Gawley. Outside the off stump, just a little deflection, a little bit of a ramp. And well, lots of approval on the bench. Oh, that could be a beautiful way to get there, and it is. What a shot through extra cover. Really is terrific stuff from him, from Gawley. Gets that 50 off 27 deliveries. And he's been quite a brilliant foil as well for Aniket. Oh, gets the deflection away again. Does it beat the man again? It does. The slower one. Might be in a spot of bother on this occasion. And he is. Rajat Patidar, the skipper down there, will take the catch. A lot of smiles though for what has been an extraordinary knock of 123 off 41 deliveries. Quite brilliant from Aniket. 41 deliveries, 123. You've done the job, man. You have been exceptionally good. You have been extraordinary. Full toss and slapped by Arshad Khan for another 6. Oh, that's beautifully played. Gone by Gawali. Up and over the infield and up and over the boundary as well. It's a beautiful shot, just finding the extra cover boundary. Last ball will be a scampered single. And this extraordinary innings will come to a close. The Leopards have got themselves up to 278 for 4. It's by far the biggest score of the competition. Absolutely huge off 20 overs. Super batting, and see how it started. Started off very well in the power play. Then it was Gawley and Aniket's show all throughout. A fantastic partnership. Aniket 123 of just 41 deliveries. And Gawley supporting him with that 66 of 33 deliveries. 20 overs, 278 for 4 for Leopards. Pehli gend hai is paari ki. ये पहले गेंद ऑफ स्टंप के बाहर सही इलाके में गेंद रखी और पूरी तरह चकमा खा गए। ये पहली गेंद बढ़िया, ये ऑफ स्टंप के बाहर और आउट, सीधा बैट के बाहरी किनारा लगा और रजत पाटीदार सीधा कैच के रूप में आउट हो गए। और उसी के साथ ये बड़ा भारी झटका मालवा पैंथर्स के लिए। ये होता है बड़े स्कोर का, जब आप सामना करते हैं ना तो पहली गेंद से ही आपको मारना पीटने की शुरुआत करनी पड़ती है, और वैसा करने में अपना विकेट ही गंवा बैठे। बॉलिंग कर रहे हैं समय माधव, ये ऊंची उठी थी काफी देर तक, एक रन के लिए दौड़ रहे हैं, जोखिम हो सकता है, लेकिन सीधा थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड पर पल गया। और यहां पर लगता है कि ये विकेट प्राप्त हो गया है, क्योंकि सीधा थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड पर, जोखिम लिया था रन लेने का। डायरेक्ट हिट जो होती है ना, याद रखिएगा, और ये देख के तो और आपको याद दिला देते कि डायरेक्ट हिट कई बार आपको वो डायरेक्ट रास्ता दिखाती है अपने डग आउट का। क्यों जोखिम उठाया, सीधा शॉट थर्ड के हाथ में वो गेंद थी, और निशाना तो ऐसा लगता है बचपन में कंचे खेले थे। ओ यू टी आउट, यानी कि बाहर का रास्ता तय। ये अगले गेंद को उठाया, ये तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, 6 रन के लिए सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से, कवच के ऊपर से, इस बार फ्लैट वन बाउंस 4।
इरादे दर्शा दिए हैं शुभम ने कि अभी हम ये मैच में दमखम रखते हैं। बिल्कुल सीधा खेला है, तीर की तरह सीधा खेलने का फायदा आपको मिलता है। चार छोड़ दीजिए। दूसरी गेंद पे भी इरादे दर्शा दिए कि हम भी किसी से कम नहीं, भरोसा रखिए कि मैं हूं ना। ओ कमाल का शॉट, बेहतर से बेहतरीन होते हुए नजर आ रहे हैं रघुवंशी। तीन गेंदें खेली है, तीन चौके मारे हैं, चौकों की हैट्रिक तो जड़ दी है, और सामने किसके? अरशद खान के। चलिए अब चार पे चार जोड़ दीजिए, महंगा ओवर ये लेपर्ड्स के लिए। 45 for 2। गैप में छोटा गेंद यानी खोटा गेंद, चार जोड़ दीजिए। जल्दी बाहर आए थे यानी जल्दी भाप लिया था, और गेंदबाज के पास कोई जवाब नहीं था इस कंबो का प्रयोग का। बेहतरीन शॉट, रघुवंशी है सामने, गेंद उनके स्लॉट में, तो अब लेके आनी पड़ेगी आपको प्लॉट से। कमाल का ये शॉट था, बैट स्विंग पे आप नजर रखिएगा। फिलहाल तो लक्ष्य का पीछा कैसे करते हैं वो रघुवंशी यहाँ पे बताते हुए। बल्ला इनका बोल नहीं रहा, गरज रहा है। Oh, Shivam goes again. Does he find the gap? He does. It's almost like a tennis forehand cross court, really, as opposed to a cricket shot, but it's mighty effective. Wow, wow. That did sound nice, and it looks nice as well. And it's Raghuwanshi. Oh, Raghuwanshi goes down the ground, and it's gone miles again. It's another huge six for him. 1x bat 6, 1x bat K-Sath. Raghuwanshi spot a bother here with the ball. That's hit powerfully and hard. Does it go all the way? It does. It's another six in the over. Raghuwanshi goes up to 76 now off 23. It's a better shot. It's a cleaner strike and it's gone all the way. Oh, Shubham, what a strike from him. कदमों का इस्तेमाल किया, उठा दिया गेंद को, क्या प्लेसमेंट है, छक्का नहीं लेकिन जो चौके के लिए प्लेसमेंट गया है वो लाजवाब रहा है। थोड़ी सी ज्यादा लंबाई की गेंद, टाइमिंग अच्छी, लेकिन क्या बाहर जा गई, बिल्कुल गई। दो खिलाड़ी उसके नीचे आ जरूर रहे थे, लेकिन ये गगनचुंबी आसमानी छक्का बाहर जाकर गिरा साइड स्क्रीन के ठीक सामने। बल्ले पे आई नहीं, और देखिए गर्मी बहुत है, ह्यूमिडिटी भी है, और ये मौका फिर डायरेक्ट हिट लगी है, मामला करीबी होगा या फिर खुद आउट देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। तीसरे एम्पायर के लिए गए हैं, टीवी एम्पायर के लिए, अभी इंतजार करना पड़ेगा फैसले का। जब भी डायरेक्ट हिट लगती है रीमा जी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बल्लेबाज के लिए। भाई साहब यहाँ पे तो गलती कर दिया आपने, लालच किया था एक रन का, वो लालच पड़ी महंगी। क्या कमाल का वो थ्रो था, मुझे तो यहाँ से नजर आ रहा है शुभम का पवेलियन तक की वो चाल। अब आप डाल ही दीजिए, पुष्टि कर ही दीजिए, ओ यूटी यानी चलिए गलती की है, पारी अच्छी जरूर खेली थी आपने, लेकिन एक गलती काफी है बल्लेबाज के लिए। और इस बार करारा प्रहार, और इस वार के चलते रघुवंशी ने अपना शतक किया पूरा, और यही होता है ना कि सफलता की कुंजी होती है कि वो फिदा होती है मेहनत करने वाले पर, इस समय किस्मत फिदा है रघुवंशी पे। अब यहाँ पे रघुवंशी पे डिपेंड करता है कि बेहतरीन कैच, एक छोर रघुवंशी ने संभाला हुआ है तो दूसरे छोर से विकेट अब चटका रहे हैं। क्या कमाल का वो एफर्ट था, बिल्कुल विकेट गिरने से खामोशी तो छा जाती है, और यहाँ पर ये आउट, यहाँ पर बच्चे से ऑफ स्टंप के बाहर थे, मारना चाहते थे लेकिन बैट का भीतरी हिस्सा लगा और ये आउट हो गए, और उसी के साथ ये एक और विकेट गिर गया, पांचवा विकेट गिर गया है 212 रन के योग पर, और एक बार फिर से खेल में तमाम रोमांच वापस लौट आया है। देखो आप जब 278 रन बन जाते हैं एक टीम के तो आप पर गहरा दबाव आ जाता है।
और फिर आपके दो विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो लगता है कि अब तो कोई आशा ही नहीं रही, लेकिन फिर भी संघर्ष किया और इस बार उठाकर मारने की कोशिश की, कैच जा रहा है और उसी के साथ आउट। एक्स्ट्रा कवर पर ये कैच कर लिए गए, गेंद आसमान में चली गई थी, सिर ऊंचा चला गया, गेंद ऊंची उठी, स्ट्रोक का टाइमिंग गलत और एक्स्ट्रा कवर पर ये कैच कर लिए गए आसानी के साथ और एक और विकेट का पतन हो गया और मैच में फिर से एक अनोखा मोड़ आ गया है और एक बार फिर से शिकंजा खतरा भोपाल लायंस का। और इस बार उठाया ऑन साइड में सीधा कैच के रूप में और आउट। लॉन्ग ऑन पर फील्डर खड़ा था, कोशिश तो बहुत कर रहे थे कि सिक्सर्स लगाने की जरूरत थी अगर जीत की राह पर चलना चाहते हैं, वक्त की जरूरत भी थी और इसी कारण बड़ा स्ट्रोक लगाने गए लेकिन लॉन्ग ऑन पर कैच कर लिए गए। बैटर आए हैं पौरुष मंडल, क्या पौरुष दिखाते हैं देखना होगा। और इस बार उठाकर मारा है ऑफ साइड में, ये भी कैच के रूप में जा रही और फिर से आउट। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर इस बार कैच कर लिए गए और ये लगातार दूसरा विकेट गिर गया। 229 पर 8 विकेट 18 ओवर्स की समाप्ति के बाद पौरुष का विकेट गिरा शून्य पर ही और कमल हैट्रिक पर आ गए। इस मुकाबले की अंतिम 6 गेंदें यानी अंतिम ओवर, जिम्मेदारी कमल के पास। कदमों का इस्तेमाल, आसान सी स्टंपिंग, लौटने का प्रश्न ही नहीं। 239 रन बने हैं और अभी 40 रन चाहिए, दो गेंदों पर वो तो हो नहीं सकते। ये उठाकर मारा है, चिप हो गया, देखना कि कैच होता है अथवा नहीं और ये आसानी के साथ कैच कर लिए गए। तो ये पांचवां विकेट जिसकी आप चर्चा कर रहे थे वो आखिर हो ही गया और इस तरह 239 रन पर मालवा पैंथर्स की टीम आउट हो गई और एक बहुत ही जबरदस्त जीत 39 रनों से हो गई भोपाल लेपर्ड की। मैच का लेखा जोखा, मैच समरी पे नजर डालिए तो भोपाल लेपर्ड्स ने पहले बल्लेबाजी की, 278 बनाए 4 विकेट के नुकसान पर, 41 गेंदों में 123 रन की ताबड़तोड़ पारी अंकित ने खेली और 27 रन देकर एक विकेट शुभम, 47 रन देकर एक विकेट परुष और उसके बाद जवाब में सिर्फ 39 रन पीछे रह गई। 39 रन से जीत हासिल कर ली लेपर्ड्स ने।